आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ आधा किलो चिकन ले लिया है, जिसको अच्छे से धो के साफ कर लिया है, और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन में मैंने एक चम्मच दही लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम डाल देंगे, और ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच मैंने बिरयानी मसाला लिया है, ये भी इसमें जाएगा। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है, अब हम इसे ढक कर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। जब तक चिकन मैरिनेशन में है, तब तक हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसमें 4 चम्मच तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें तेजपत्ता डाल देंगे, ये सूखी मिर्च 4, थोड़ा सा लहसुन, ये मैंने 6 रफली चॉप प्याज लिया है, इसमें डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन होने पर भून लेंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। देखिए प्याज भून गया है, अब हम इसमें ये चिकन डाल देंगे। बिरयानी के लिए मैंने ये चावल लिया है, बड़े लंबे साइज का, और मैं इस कटोरी से 1.5 कटोरी चावल ली हूँ। इसको पहले अच्छे से धो के और 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। जब तक चिकन बन रहा है, तब तक हम चावल बना लेते हैं। हमने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है, और अब हम इसमें इतना घी डालेंगे। और इसमें अब हम थोड़े से मैंने सूखे मसाले लिए हैं, एक तेजपत्ता, 4 काजू, थोड़ा लौंग, थोड़ा इलायची, बड़ा इलायची मैंने क्रश कर दिया है, छोटी इलायची 1 लिया है, और 4-5 काली मिर्च के दाने, इसको हम तेल में डाल देंगे। थोड़ा सा रोस्ट हो जाए तब हम इसमें, अब हम इसमें ये मैंने राइस धुल के रखा था, इसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैं आधा चम्मच नमक ऐड करूंगी, पानी डाल देंगे। इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, अब हम कुकर बंद कर देंगे। चिकन हमारा भून गया है, अब हम इसमें 4 टमाटर डालेंगे, टमाटर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। समय अब हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा नमक मैंने मैरिनेशन में डाला था, और थोड़ा अभी डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। मैंने सेंधा नमक डाला है इसमें, क्योंकि हम रेगुलर खाने में भी सेंधा नमक खाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसे खड़ा है। अच्छे से मिक्स करके इसको ढक देंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। देखिए टमाटर भी गल गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच मैंने मैरिनेशन में डाला था, और 1 चम्मच मैं यहाँ डाल दे रही हूँ, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसको ऐसे धीरे धीरे चला के, आपको धीरे धीरे ही चलाइए इसको, नहीं तो इसे जो है टूटने लगेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक चिकन पक गया है। देखिए कितने अच्छी तरह से ये भून गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब
ये जीरा धनिया का पाउडर है, इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, इतना सा। हम इसमें डेढ़ चम्मच ये बिरयानी मसाला है ये हम इसमें डाल देते हैं। आधा चम्मच मैंने मैरिनेशन में डाला था और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सीटी आने तक मैंने पकाया है, अब मैं खोल के देखती हूँ। देखिए चावल हमारा बन गया है। आप चाहे तो चावल ऐसे सादा भी बना सकते हैं, मैंने इस तरह से बनाया है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। भून के बिल्कुल तैयार है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, थोड़ा सा इसको पानी में घोल लें। इसको हम एक या दो जगह डालेंगे और इसको थोड़ी देर बाद ही मिलाएंगे। मैं इस कुकर में ही बिरयानी की लेयरिंग करूंगी। आप कोई भी चौड़े तले वाले बर्तन में इसे कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है नीचे, इसमें से फैला लें। अब हम लेयरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चावल डालेंगे, इसको अच्छे से फैला लें। एक लेयर में चिकन डालेंगे। इसमें मैंने ये धनिया पत्ता, प्याज और हरी मिर्च काट के लिया है। आप चाहें तो ये ब्राउन अनियन भी इसमें डाल सकते हैं, इसको फ्राई करके। मैं इसमें एक लेयर इसको भी डालूंगी इसमें, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इसके ऊपर हम धनिया का पत्ता ये स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा ग्रीन चिली, पुदीना से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। पुदीना अगर आपके पास हो तो आप इसमें पुदीना जरूर डालें। और फिर मैं एक लेयर इसमें राइस का डालूंगी। अब एक लेयर चावल डालने के बाद मैं फिर एक लेयरिंग चिकन का करूंगी। मैंने एक लेयर चिकन का डाल दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा ये कटा हुआ प्याज, थोड़ा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और ये हरी मिर्च। इसके ऊपर फिर हम राइस डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे राइस से ही। अब ये बचा हुआ जो अनियन है, धनिया पत्ता है, ये सब हम इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे, हरी मिर्ची। और इसको थोड़ी देर, 5 मिनट लगभग, लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम गैस पे रखेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे मैंने कुकर को रख दिया है 5 मिनट के लिए और 5 मिनट बाद हम इसे देखेंगे। 5 मिनट हो गया है। अब देखिए बिरयानी कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब इधर किनारे से हम चिकन निकालेंगे। ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड, चिकन बिरयानी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।